दूसरा प्लान क्या है दोस्तों, देखे ये भी काफ़ी प्यारा लगता है। आज हम सिर्फ क्रोटन की ही वैरायटी आपको दिखाएंगे जो काफ़ी अच्छी लगती है और आपके घर की डेकोरेशन में काफ़ी अच्छी रहेंगी लगाने में दोस्तों। आपको डेकोरेशन के उसमें पर्पस दोस्तों तीसरी वैरायटी ये है, देखिए आप ये देखिए, इसको बोलते हैं डक क्रोटन। कलर आप देख सकते हैं समय से नहीं है दोस्तों, ये देखिए इसको बोलते हैं वर्मा क्रोटन। जैसे वर्मा चलते हैं ना घूम के, देखिए ऐसी इसकी पत्ती बनी होती है, सब पत्ती ऐसे हुई जैसे वर्मा होता है। ये देखिए सब पत्ती घूमी हुई होंगी, ये देखिए कैसे अच्छे से ये घूम रही है प्यार से, देखिए। और इसके ऊपर देखिए दोस्तों इस तरह से चिटकारीदार कलर भी आएगा, वो पत्ती घूमी हुई रहेगी जैसे वर्मा होता है होल करने वाला, वैसे रहती है दोस्तों। एक कलर यह है दोस्तों, एक कलर यह है इसमें दोस्तों, एक वैरायटी मतलब यह है इसमें वैरायटी यह है दोस्तों, ये पूरी ग्रीन रहती है, ये देख पूरी एवरग्रीन रहेगी है दोस्तों। जैसे एवरग्रीन थी ये थोड़ी इस पर डॉट बनी हुई है बड़ी बड़ी थोड़ी सी, देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है ये प्लांट भी देखने में। एक वैरायटी ये है दोस्तों, और एक वैरायटी ये है, देखिए पत्ती कितनी छोटी है और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है देखने में, देखिए कितना अच्छा लगता है। अगर आपको यहाँ से कट करके लगाएं तो भी ये चल जाती है क्रोटन, कटिंग से भी चल जाता है। कितना प्यारा क्रोटन लग रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल कोई पेड़ हो, ये देखिए देखने में ऐसा ही लगेगा आपको, ये पूरा का पूरा पेड़ दोस्तों ऐसे ही हो जाएगा, ये देखिए होने लग रहा है कहीं कहीं से, यहाँ से तो होना शुरू हो गया है, देखिए सब ऐसे हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए नीचे से भी ये वाला पेड़ है जो मैं आपको दिखा रहा था। क्रोटन में वैसे काफ़ी वैरायटी आती हैं, ये देखिए बिल्कुल आर्टिफिशियल की तरह ही लग रहा है जैसे प्लास्टिक का। और एक ये है देखिए दोस्तों, बड़ी पत्ती क्रोटन होती है, काफ़ी बड़ी पत्ती होती है देखिए, और देखने में काफ़ी प्यारी भी लगती है, आप खुद देख सकते हैं इसको। और लास्ट वाली वैरायटी है,